हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग लव स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की जो वीडियो है भी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। और दोस्तों, आप इस साड़ी में ब्लर वाला जो इफेक्ट देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लर वाला इफेक्ट है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी साड़ी में कुछ इस तरह का ब्लर इफेक्ट लगाकर साड़ी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में बहुत सारे व्यू और लाइक आ सकते हैं। आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को और पिक्सल ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको लाइट मोशन प्रो ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। और गाइस, आपको पिक्सल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको न्यू टेस्ट वाले ऑप्शन को डिलीट करना है। अब गाइस, आपको इसकी साइज को सिलेक्ट करना है। ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। गाइस, अभी जो इसकी हाइट है 1280 सिलेक्ट है, इसको गाइस आपको 2400 सिलेक्ट करना है। ओके पर क्लिक करना है। जो इंस्टाग्राम रील्स वाली साइज है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब गाइस, आपको इसमें कलर को सिलेक्ट करना है। नीचे से आपको 4th नंबर पर क्लिक करना है, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें गाइस, आपको वाइट कलर को सिलेक्ट करना है। अब इसमें गाइस, आपको एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से गाइस, आपको इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। इस वाले वॉलपेपर की लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद वॉलपेपर को आपको ऊपर साइड में सेट करके यहाँ पर लगा देना है। अब इसमें दोस्तों, आपको साड़ी को लिखना है। ए वाले ऑप्शन पर जाना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको साड़ी को लिखना है। तो गाइस, मैंने साड़ी को पहले से ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे। गाइस, जो फर्स्ट वाली साड़ी की लाइन है इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसको गाइस हम यहाँ पर बड़ा करके लगा देंगे। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करके बड़ा करके यहाँ पर लगा देना है। इस समय गाइस, आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस वाले फॉन्ट को हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपको इसको सेट करके यहाँ पर लगा देना है। अब गाइस, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शैडो वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको यहाँ से इनेबल करना है और इस समय गाइस, आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है। तो जो आपका ये साड़ी है कुछ इस तरह सेट हो जाएगा। इस समय गाइस, हम बाकी जो साड़ी की लाइन है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हम जो साड़ी की सेकंड लाइन है उसको हम यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से साड़ी की लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसको आपको यहाँ पर सेट करके इस तरह से लगा देना है। इस समय गाइस, आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और इस समय भी गाइस, आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस वाले फॉन्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने का इसको आपको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देना है। आप अपने हिसाब से इसको सेट करके अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट करके यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शैडो वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको इनेबल करना है। इस समय गाइस, आपको ब्लैक वाले कलर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर गाइस, आपको साड़ी की जो सेकेंड लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर हम साड़ी की जो सेकंड लाइन है उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने साड़ी की जो सेकंड लाइन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसमें भी गाइस, आपको कलर को सिलेक्ट करना है। तो इस वाले कलर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें भी गाइस, आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। इस वाले फॉन्ट को हम साड़ी में लगा देंगे।
यहाँ से आपको शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको गाइस आपको इनेबल करना है, इसी वाले कलर को सिलेक्ट करना है जो आपने साड़ी में सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब गाइस आपको इस समय स्टिकर को सिलेक्ट करना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से हम इसमें स्टिकर को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से गाइस हम स्टिकर को इसमें सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ऊपर साइड में सेट करके यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से आपको सेट करके इसको लगा देना है। और यहाँ से गाइस आपको इसमें iOS वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। iOS वाले फॉन्ट की लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से हम iOS वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब गाइस आपको इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लगाना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को इसमें लगा देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर लिख दिया है। इसको आपको नीचे साइड में सेट करके यहाँ पर लगा देना है। इसमें भी गाइस आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है और इसमें भी आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। हम अपने इंस्टाग्राम आईडी में इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस वाले फॉन्ट की लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शैडो वाला, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और इसमें भी आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो साड़ी है पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इसको PNG में कन्वर्ट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा चौथे नंबर वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो साड़ी है PNG में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो वॉलपेपर है ये अभी PNG में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वॉलपेपर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर वाला, इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ से इनेबल करना है। तो जो आपका वॉलपेपर है PNG में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको इसको गैलरी में सेव करना है। ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो PNG सारी है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब यहाँ से आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नॉन रेसो 60 के साइज को सिलेक्ट करना है और इसमें गाइस आपको व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन में टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से हम एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। साउंड वाली वीडियो की लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाली साउंड वीडियो को डाउनलोड करना है। इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का जो साउंड है हमारी वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस फर्स्ट में जो साउंड वाली लेयर है वो आ चुकी है। अब आपको गाइस इस वाली वीडियो को डिलीट करना है। वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो है जो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है। यहाँ पर गाइस आपको उस वाली PNG साड़ी को सिलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल लैब ऐप्स बनाई है। उस वाली PNG साड़ी को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। प्लस वाला ऑप्शन टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। इस तरह से आपको उसी वाली PNG साड़ी को सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको खींचकर अपने हिसाब से बड़ा करके इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बीच में सेट करके यहाँ पर लगा देंगे। अब गाइस आपको PNG साड़ी की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही जो PNG साड़ी की लेयर है वो साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगी। अब गाइस यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से गाइस आपको सर्च करना है वार्प वाले इफेक्ट को। इस तरह से फर्स्ट में जो वार्प वाला इफेक्ट वो आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस इस तरह से जो वार्प वाला इफेक्ट है इसमें लग जाएगा।
अब गाइस यहाँ से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही जो लेयर में व्हाइट मार्क है वो लग जाएगा। अब गाइस ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको 2.00 तक इसको बढ़ाना है। तो इस तरह से हम 2.00 तक इसको बढ़ा देंगे। अब आपको पीएनजी सारी की लेयर के एंड में जाना है। यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही व्हाइट मार्क जो लग जाएगा। अब गाइस जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2.00 पर सेट है, इसको आपको 0 पर ला देना है इस तरह से। अब आपको लेयर के भी शुरू में आ जाना है। तो जो आपका इफेक्ट है अभी कुछ इस तरह से लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा तीसरे नंबर पर, स्पेसिंग वाला। स्पेसिंग वाले ऑप्शन को गाइस आपको 4.0 पर सेट करना है। तो इस तरह से हम इसको कम कर देंगे। इस तरह से आपको इसको 4.0 पर सेट करना है। अब आपको नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है मैग्नीट्यूड, इसको आपको गाइस 1.5 पर सेट करना है। तो गाइस हमारी जो सारी है कुछ इस तरह सेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इफेक्ट पर जाना है। यहाँ से आपको फिर से एड इफेक्ट पर जाना है। अब यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है लाइनर वाले इफेक्ट को। इस तरह से आपको लाइनर सर्च करना है। सर्च करते ही जो सेकंड नंबर पर लाइनर वाला जो इफेक्ट आ रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, लाइनर वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। गाइस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 0.15 पर सेट है, इसको आपको कम करना है इस तरह से। इस तरह से आपको 0.02 पर इसको लाना है। अब यहाँ से गाइस आपको लेयर में व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाला ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही लेयर में जो व्हाइट मार्क है वो लग जाएगा। अब आपको लेयर के आगे जाना है। इस तरह से आपको लेयर के आगे चले जाना है। इस तरह से गाइस आपको लेयर को 0.03 सेकंड पर लाना है। यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाला ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही जो लेयर में व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब गाइस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्ट्रेंथ वाला, ये अभी 0.02 पर है, इसको आपको 0 पर ला देना है इस तरह से। और आपको लेयर के भी शुरू में आ जाना है। तो जो आपका इफेक्ट है कुछ इस तरह से लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको लाइनर वाले इफेक्ट को कॉपी करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो इफेक्ट है कॉपी हो जाएगा। अब आपको फिर से लाइनर वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लाइनर वाले इफेक्ट पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो लाइनर वाला इफेक्ट हो पेस्ट हो जाएगा। अब जो सेकंड वाला लाइनर वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसके एंगल को गाइस आपको 45 पर सेट करना है। इस तरह से आपको इसके एंगल को 45 ओंस पर इसको सेट करना है। अब यहां से आपको फिर से इस वाले इफेक्ट को कॉपी करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आपको फिर से लाइनर वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर से इसी वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो लाइनर वाला इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। अब जो तीसरे नंबर वाला लाइनर वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसके एंगल को गाइस आपको 90 पर सेट करना है। तो इस तरह से हम इसको 90 पर सेट कर देंगे। अब गाइस आपको लास्ट बार इसको फिर से कॉपी करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो इफेक्ट कॉपी हो जाएगा। अब फिर से गाइस यहाँ पर आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। इस तरह से हम इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। वो चौथे नंबर पर जो लाइनर वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसके एंगल को गाइस आपको 135 पर सेट करना है। अब यहाँ से गाइस आपको इसमें एक और इफेक्ट को लगाना है। तो यहाँ से आपको लाइनर वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है इस तरह से। अब यहाँ से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल वाले इफेक्ट को सर्च करना है। जो फर्स्ट में जो सिंपल वाला इफेक्ट है ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिंपल वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको लेयर में व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाला ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही जो लेयर में व्हाइट मार्क हो लग जाएगा। अब गाइस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पोजीशन वाला, इसको आपको बढ़ा देना है। इस तरह से आपको इसको 200 तक इसको बढ़ाना है। अब गाइस आपको लेयर के एंड में जाना है। यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाला ऑप्शन में टैप करना है। टैप करते ही व्हाइट मार्क जो लेयर में लग जाएगा। अब आपने जो पोजीशन वाला ऑप्शन है 200 पर इसको सेट किया था, इसको आपको 0 पर ला देना है इस तरह से। अब यहाँ से गाइस आपको लेयर के शुरू में आ जाना है।
तो जो आपका इफेक्ट है कुछ इस तरह से लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर जो साइज वाला ऑप्शन मिल रहा है इसको आपको बढ़ा देना है। इस तरह से आप इस साइज वाले ऑप्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 0.200 तक इसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी साड़ी में कितने अमेजिंग तरह से इफेक्ट हैं जो लग चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग लव स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।